हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल टू माय चैनल। पिला माने आमे आउटे चैप्टर जहरेची ग्रामर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस तार एमसीक्यू आज डिस्कशन करिबा ते सुंदर भाबरे हम तुमको बुझाइ देबि। आगु टाइप्स ऑफ सेंटेंस रो बहुत बडे वीडियो अपलोड हेइछि, तुम समस्त से वीडियो देखिथिबो। जो माने भी देखिनो डिस्क्रिप्शन रे ग्रामर सेक्शन प्लेलिस्ट रो लिंक दिया हेइछि। ग्रामर सेक्शन से लिंक पर क्लिक करि तुमे एही टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस रो वीडियो देखि परिबो एवं ता सहित एक चैप्टर को बुझा पाई गोटे सुंदर नोट तुम्हारे प्रिपेयर करी तार लिंक डिस्क्रिप्शन रे दे दी जहाँ वेरी वेरी यूजफुल हो तुम्हारे डाउनलोड करनी। ओके स्टार्ट करिबा किसी एमसीक्यू बा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जहाँ हमारा समेटिव असेसमेंट वन रिविजन प्रोसेसिंग स्टार्ट होती। समस्त सब्सक्राइब करनी, पाकर बेल आइकन को प्रेस करनी, वीडियो को शेयर कर। पाने बहुत दिन वीडियो पब्लिश होनी तो निश्चित भाव में शेयर करनी तुम फ्रेंड्स मान सहित, से बेनिफिट पाइबे, तुम भी बेनिफिट पाइब। ओके लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमें देखिबा समस्ते। फर्स्ट क्वेश्चन देखो डिस्प्ले पर तुम देखि परथिबो, डोंट टच ए लीफ वायर, दिस इज दैट सेंटेंस। ए डोंट टच ए लीफ वायर एटा हमरो को सेंटेंस, ठीक अछि। हमें पढिछे सिंपल सेंटेंस को चारि वेरिएंट तो करिछे, डिक्लेरेटिव, इंटरोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी। ऑप्शन दीजिए तो डोंट लीव ए, डोंट टच ए लीव वायर। ओके लीव वायर को हमें स्पर्श करिबा नहीं, एटा हमको वार्निंग दिखाई तेणु एटा गोटे हमरो इंपरेटिव सेंटेंस। सो आंसर हम अन इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक केयर यस यू विल फेल, टेक केयर जत्न निय मन दि अदरवाइज। ओके सो अदरवाइज एटी कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन बसिबो, अदरवाइज यू विल फेल। ओके नेक्स्ट नंबर 3, हैव ए स्मूथ जर्नी, दिस इंपरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसेस यस। हैव ए स्मूथ जर्नी, तुम यात्रा सुगम हो, एटी हमें विश करूचे। ओके शुभ कामना। सो आंसर हबो ऑप्शन ए विश, बुझियो छ मो कथा। देन नंबर 4, ए डॉग दैट बार्क्स सेल्डम बाइट्स, भोकिला कुकुर कामुड़े नाही। The main clause in this sentence is yes. Sentence the main clause ke pacharichi. Okay? So ame janiche it main clause kon hobo na, a dog seldom bites. Kaina that barks amaro subordinate clause hobo. Okay? So answer hobo a dog seldom bites. Dekho eta pila mane option A re achi. A dog seldom bites. Okay? So number 4 answer hoji option A. Next number 5. I have left my glasses on the bus. I have left my glasses at the office. So एठी different अछि on the bus, एठी different अछि at the office. आको मैं combine करिबा केमती हमें पढिचे समस्त वीडियो देखिथिबा, जो माने भी देखिना डिस्क्रिप्शन रे लिंक दे हिचे, लिंक ऊपर क्लिक करि देखो। जदि ए वीडियो बुझबार असुविधा होचि हमें आइदर और नाइदर नॉट नॉट ओनली बट आल्सो बोथ एंड यूज करूचे। सो एठी जेहेतु एठारे किंबा सेठारे छाडी थाई पारे मोर ग्लासेस को आइदर बस रे किंबा ऑफिस रे, सो इट हम यूज करिबा आइदर और, बुझियो छी। सो नंबर बी ही हमर राइट आंसर हबो। नेक्स्ट नंबर 6 हमें समस्त देखिबा। ओके देखो नंबर 6 असला, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज नॉट एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। आंसर हमर इंटरोगेटिव सेंटेंस कोटा न से बिषरा में देखिबा, ठीक अछि। सो ऑप्शन तुम्हें देखो ए बी सी डी दे छि। ओके इंटरोगेटिव सेंटेंस हमें केमिति न हो जानिबा, देखो एथि सबटी क्वेश्चन मार्क दिया छि, एथि मने क्वेश्चन मार्क दिया छि, एथि क्वेश्चन मार्क दिया छि, एथि एक्सक्लेमेशन मार्क दिया छि, एमिति मध्ये हमें शॉर्टकट रे जानि परिबो। सो आंसर एथि हबो ऑप्शन डी। ओके नंबर 6 रो आंसर हो छि ऑप्शन डी। नेक्स्ट नंबर 7 देखिबा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज अ डबल एज क्वेश्चन। डबल एच वर्ड स्टार्टिंग रे थिबो, से डबल एच क्वेश्चन हेतिबो एवं लास्ट रे हमर क्वेश्चन मार्क दिया हेतिबो। ओके ए बिषय रे भला भले पढिचे, सो डोंट यू वर्क हार्ड, वुड नॉट दे हेल्प यू, हाउ डिड यू गेट देयर, कैन सी डू दिस वर्क। सो हाउ डिड यू गेट देयर एटा ही हमर डब्ल्यू एच क्वेश्चन, काहे कि ना हाउ हमर डबल एच वर्ड अछि, बुझु समस्तकर। नेक्स्ट नंबर 8, आइदर यू लीव और आई विल, this is just sentence. Okay dekho eti either or lagichi, either or gote correlative, correlative conjunction, eta amar compound sentence use hoy ebong compound sentence re
जो दुईटी क्लॉज रहे से दुईटी क्लॉज इंडिपेंडेंट बुझि होचे तो एटी तीटा क्लॉज के ना आइदर यू लीव गोटे क्लॉज और आई विल हैव गोटे क्लॉज तो एटा गोटे कंपाउंड सेंटेंस हबो जहां से डाउट होचे कमेंट बॉक्स से मते जणाइबो ओके नेक्स्ट नंबर 9 आमे देखिबा समझ देख पड़ते हो फार्ट ए ब्यूटीफुल साइट इट इज द डिक्लेरेटिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस इज यस आर डिक्लेरेटिव फॉर्म कौन देखो फार्ट ए ब्यूटीफुल साइट इट इज आर डिक्लेरेटिव फॉर्म हम देखिया वर्तमान द साइट इज ब्यूटीफुल द साइट इज वेरी ब्यूटीफुल इट इज ए ब्यूटीफुल साइट इट इज ए वेरी ब्यूटीफुल साइट सो आमे समझ जानचे आगे सब्जेक्ट रहइबो इट देन वर्ब रहइबो इज सो इट इज ए वेरी ब्यूटीफुल साइट ओके एटा ही आंसर हबो वेरी बसिबो कहीं हमें एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस रे वेरी टू क्वाइट ये सब यूज करू सो नौ नंबर आंसर हबो ऑप्शन डी ओके एक गुड नाउ बुझ पारले नेक्स्ट हमें नंबर 10 देखिबा ओके समस्त देखो नंबर 10 वर्तमान हमर आसला द वेदर इज फाइन द डिक्लेरेटिव द एक्सक्लेमेटरी फॉर्म ऑफ द सेंटेंस इज यस द वेदर इज फाइन आर हमें एक्सक्लेमेटरी फॉर्म करिबा ओके तो हम किन करिबा हम आगे पढ़ीचे समस्त नोट रे मध्ये पढ़ीथिबो देखो द वेदर इज आवर सब्जेक्ट देन इज होचि वर्ब फाइन होचि हमरो डिग्री वर्ड ओके त एटा गोटे एडजेक्टिव द वेदर इज फाइन पाकटे सुंदर अछि सो हम एठी यूज करिबा हाउ ओके हम यूज करिबा हाउ देन डिग्री वर्ड लिखा हबो हम स्ट्रक्चर पढ़ीचे हाउ फाइन देन सब्जेक्ट लिखा हबो द वेदर ओके हाउ फाइन द वेदर नेक्स्ट हमें वर्ब यूज करेंगे लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क कर हाउ फाइन द वेदर इज ऑप्शन ए देखो अच्छी ऑप्शन बी टा भूल देखो एटी हाउ फाइन परे आगे वर्ब लिखा है तो बीटा भूल ऑप्शन ए ही ठीक बुझी हुई मो कथा नेक्स्ट नंबर 11 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यस नो क्वेश्चन यस नो क्वेश्चन रे हमरो हेल्पिंग वर्ब आगर थाए ठीक अछि सो हमें जान परबा व्हाट आर यू डूइंग हियर एटा नहि हाउ कैन आई हेल्प यू एटा नहि आर यू वर्किंग हार्ड फॉर द एग्जाम देखो एटी हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट हि छि सो एटा ही ओटे हमरो यस नो क्वेश्चन ओके सो आंसर सी होची राइट बुझी होची ना बुझी होनी पिला माने हिसाब रे बुझी होतिबो वीडियो समस्त देखिले ही हमें बुझी परबा सो डिस्क्रिप्शन रे लिंक दे छि जमा इग्नोर करनी मो कथा को हिसाब रे देखि लियो परीक्षा पई प्रिपेयर करले बहुत भलो हो एग्जाम रे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 The flower smells sweet. The word sweet is the in this sentence is the yes. Sweet is sentence kaun? Direct object, indirect object, complement or adjunct. Ame agro padhiche. So sweet jeto ki smell achi bhar ame nabam re padhiche class 9 re. So it is sweet amara complement hobo. Complement huchi gote sentence ra compulsory part. Jodi tumhe kadhi daba sentence ru tare sentence ti incomplete ho. The smell the flower smells but incomplete so eta answer hobo complement mone rakhibla mane complement is the compulsory part of a sentence aku sentence ko ame kaadi dela pare sentence ti incomplete hichibo bujhu chi smell grow thinks a be verb apare jaha basibo complement okay number 13 the teacher asked us 5 question pattern स्ट्रक्चर एंड पैटर्न पिला माने ये क्वेश्चन परीक्षा रे आसे ठीक अछि देखिबा एंड तो कोन हबो हमर द टीचर होची सब्जेक्ट आस्क इज द वर्ब ऑस इज द ऑब्जेक्ट फाइव क्वेश्चंस इज अनदर ऑब्जेक्ट सो आंसर होची ऑप्शन डी एस वी डबल ओ बुझियो जे मु कोन कोच पिला माने इंस्टा पर वीडियो इंटरेस्ट लागतिबो ओके वीडियो को शेयर करबो लास्ट पर्यंत देखो जम्मा नी स्किप करो नाही ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देखिबा नंबर 14 15 16 17 एंड 18 ओके समस्त को देखा जाउ छी बेस्ट बार किछ नै नंबर 14 बी वेयर पिक पॉकेट्स ओके स्टार्ट करिबा बी वेयर पिक पॉकेट्स दिस सेंटेंस एक्सप्रेसेस गैस बी वेयर पिक पॉकेट्स पॉकेट मार प्रति सावधान देखो एडवाइस ना सजेशन ना इंस्ट्रक्शन ना वार्निंग देखो ये गोटे वार्निंग दिया हो सतर्क करा हो बुझ सो आंसर हबो वार्निंग
सतर्क पॉकेट में सावधान इटा गोटे इंपरेटिव सेंटेंस नेक्स्ट हाउ स्टूपिड द बॉय इज द डिक्लेरेटिव फॉर्म ऑफ दिस सेंटेंस इज डैश आरो डिक्लेरेटिव फॉर्म टी कौन देखिबा एटा देखो सब्जेक्ट द बॉय देन वर्ब इज द बॉय इज वेरी स्टूपिड ओके इटा ही होबा आंसर अब ए बसिबो नाही देखो एटा भूल अछि सो ऑप्शन ए हमर ऑप्शन बी 15 नंबर ऑप्शन बी ही हमर राइट ओके द बॉय इज वेरी स्टूपिड बुझियो जे म कथा नेक्स्ट मिस्टर मोहंती हैज बीन टीचिंग मैथमेटिक्स इन आवर स्कूल फॉर द लास्ट 10 इयर्स क्लियर देखा हो मिस्टर मोहंती हैज बीन टीचिंग व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंस इज इट देखो इट हैव को सेंटेंस कॉम्प्लेक्स और सिंपल और कंपाउंड और कोऑर्डिनेट समझ देख पड़ो मिस्टर मोहंती सब्जेक्ट हैज बीन टीचिंग इज द वर्ब मैथमेटिक्स ऑब्जेक्ट इन आवर स्कूल फॉर द लास्ट 10 इयर्स इज द एडजंक्ट सो एस वी ओ ए और एठी गुटिए क्लॉज अछि पर एटा पर सिंपल सेंटेंस ही हबो बुझियो छि गुटिए फाइनल वर्ब अछि हैज बुझियो छि एमति बे हम बुझि परबा नेक्स्ट नंबर 17 व्हिच टाइप ऑफ सेंटेंस कैन नॉट बी चेंज्ड इनटू ए नेगेटिव सेंटेंस को सेंस को हम नेगेटिव सेंटेंस भी कन्वर्ट बा चेंज करि परबा नाही सो मन रखिबा दिस इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम नेगेटिव करि परबा नाही बुझियो छि कथा नेक्स्ट नंबर 18 ओके टेल मी वेयर यू हैव गॉट इट व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इज दिस इट को टाइप ऑफ सेंटेंस देखो टेल मी गोटे क्लॉज वेयर यू हैव गॉट इट दिस इज योर अनदर क्लॉज सो एवं दीटा का क्लॉज हो जी हमर फर्स्ट टेल मी मते कहो एटा मेन क्लॉज एंड वेयर यू हैव गॉट इट दिस इज अनदर क्लॉज एंड दिस इज सबॉर्डिनेट क्लॉज काहेकि ना एटा डिपेंडेंट एटा मेन क्लॉज पर डिपेंड करूछि बुझियो छि मेन क्लॉज निर्भर करूछि टेल मी मते कहो कोन कहो बुझियो छि ना एटा कहले को कंप्लीट होछि वेयर वेयर यू हैव गॉट इट सो डब्ल्यूएच वर्ड वेयर बसछि एटा गोटे सबॉर्डिनेटिंग कंजक्शन तो एटा सबॉर्डिनेटिंग क्लॉज एबडी सेंटेंस को हम कहूछे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस सो नंबर 18 आंसर होछ हमर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्लियर सो हमें कंप्लीट करले 18 क्वेश्चन नेक्स्ट पेज को हमें जीवा ठीक अछि हमें डिस्कशन करिबा ओके पिला माने नंबर 19 तो समस्त देखि परथिबो नंबर 19 क्वेश्चन अछि द बुक मेड द ऑथर फेमस द बुक मेड द ऑथर फेमस द स्ट्रक्चरल पैटर्न ऑफ द सेंटेंस इज दिस इज इन द स्ट्रक्चरल पैटर्न हमर कोन रहै छै ओके देखिबा द बुक इज द सब्जेक्ट मेड इज द वर्ब द ऑथर इज द ऑब्जेक्ट फेमस इज द कंप्लीमेंट बुझियो छी सो पैटर्न होय छै हमर एस वी ओ सी इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू ओके वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज नॉट अ क्वेश्चन आई विल पुट अ क्वेश्चन यू समस्त कहि परबा हम समस्त राखी अछि हम समस्त देखाउ छी देखो एठे डब्ल्यूएच क्वेश्चन दै छी एठे भी इंटरोगेटिव क्वेश्चन इंटरोगेटिव मार्क अछि एठे मते इंटरोगेटिव मार्क अछि किंतु एठे इंटरोगेटिव मार्क नाही एक्सक्लेमेशन मार्क अछि सो एटा गोटे इंटरोगेटिव क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंस नो अबाउट अ क्वेश्चन नो सो आंसर होछ हमर ऑप्शन बी बुझियाला नेक्स्ट द गर्ल इज वेरी इंटेलिजेंट सी इज आल्सो वेरी हार्ड वर्किंग झटी बहुत चालाक झटी आहुरि मध्यम बहुत हार्ड वर्किंग तेणु आम ये यूज करवा कोरिलेटिव कंजक्शन कौन ना नॉट ओनली बट आल्सो बुझुचे केवल एतिक न आहुरि मध्यम द गर्ल इज नॉट ओनली वेरी इंटेलिजेंट बट आल्सो वेरी हार्ड वर्किंग बुझुचे सो नेक्स्ट नंबर 22 हम देखिबा द टीचर टॉट अस इंग्लिश इन द फर्स्ट पीरियड द वर्ड इंग्लिश इंग्लिश टा कौन द टीचर टॉट अस इंग्लिश ठीक अछि देखो ये दीटा ऑब्जेक्ट अछि अस कोटे ऑब्जेक्ट इंग्लिश कोटे ऑब्जेक्ट सो टीचर हम को व्हाट व्हाट क्वेश्चन करले हम समस्त व्हाट क्वेश्चन करिबा आंसर कोन मिलिबो ना इंग्लिश त एटा हमर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर बुझियो छि सो नेक्स्ट क्वेश्चन 23 हमें देखिबा ठीक अछि 23 24 देन 25 26 हमें देखिबा ओके सो समय समस्त देखि परथिबो ही ट्राइड हार्ड ही डिड नॉट सक्सीड से कठिन परिश्रम कला किंतु से सफल होई पारिला नाही ही ट्राइड हार्ड ही डिड नॉट सक्सीड ठीक अछि
सो एई सेंटेंस को हम कंबाइन करबा केमती ही ट्राइड हार्ड बट किंतु किंतु रा यूज करबा जे पटी अपोजिट मीनिंग रहउची तो हम एठी बट यूज करबा ठीक अछि बुझि होउची निश्चित भाबरे लास्ट क्वेश्चन देखिबा 24 ए डैश सेंटेंस हैज टू और मोर कोऑर्डिनेट क्लॉजेस ए डैश सेंटेंस को सेंटेंस रो दुई किबा अधिक कोऑर्डिनेट क्लॉज थाय हम पढिछे कोऑर्डिनेटिव क्लॉजेस आर इंडिपेंडेंट बुझि होउची तनो एटा हमरो कंपाउंड सेंटेंस हो छ आंसर बुझा पड़ी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन माय मदर डज नॉट ड्रिंक देखो इट डज नॉट लगुच सी डज नॉट ड्रिंक देखो नेगेटिव सेंटेंस कंबाइन करने पे हमें कौन यूज कर पिला माने यस जा हो छ ठीक यस वेरी गुड नाइदर नॉर सो हमें नाइदर नॉर लगे कंबाइन कर सा ठीक अछि नेक्स्ट 26 टर्न टू पेज 45 इन योर इंग्लिश बुक दिस सेंटेंस एक्सप्रेसेस जस्ट पेज नंबर 45 बाहर करो तो एटा गुटे सूचना दि होस पिला माने एडवाइस न हो सजेशन न हो कि ऑर्डर न हो तो एटा गुटे इंस्ट्रक्शन सो ऑप्शन सी हो जे हमरो राइट बुझि हो छी नेक्स्ट 27 देखो दे छी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस एक्सप्रेसेस एडवाइस अब तो को सेंटेंस हमरो एडवाइस तो देखो ऑप्शन एपटे हो छी रेस्पेक्ट योर एल्डर्स लेट्स गो ऑन ए पिकनिक हैव अ स्मूथ जर्नी और ऑप्शन डी प्लीज हैव अनदर कप ऑफ टी सो आंसर हम करबा कोटा सजेशन दर्शउ छी क्वेश्चन थिला हम समस्त देखि छै आउ थरे तो देखि दउ छी माने देखो क्वेश्चन अछि सॉरी एडवाइस क्वेश्चन हिची एडवाइस उपदेश सो आंसर हम करबा देखो respect your elders it hi hamara advice okay let's go on a picnic this is our suggestion okay have a smooth journey is our wish then please have another cup of tea this is your request so it hi hamara advice so option a is the right answer puchhu ji then 28 which of the following is not a declarative sentence अगले कोटा डिक्लेरेटिव सेंटेंस नो हां बुझियो छी द स्टोरी अपीयर्स इंटरेस्टिंग इट अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस लेट अस मूव ऑन इट अ इंपरेटिव सेंटेंसेस ए सेंटेंस को कटा के चल मान डिक्लेरेटिव एम डिक्लेरेटिव सो ऑप्शन बी ही हमारा राइट ओके सी हैज बीन स्टार्टिंग सिंस मॉर्निंग द फाइनल वर्ब हम पढ़ी छी फाइनल वर्ब का फर्स्ट वर्ब जो हमें टेंस जान छे सो ऑप्शन ए हो छी राइट फाइनल वर्ब पढ़ी एक्टिविटी प्रैक्टिस करी एक्टिविटी वीडियो पब्लिश होती सब कुछ क्लियर हो देन नंबर 30 मेक हेस्ट यू विल बी लेट मेक हेस्ट शीघ्र शीघ्र तत्व कह नहले आम लेट होगा तत्व काम करवा सो ऑप्शन डी ही राइट आंसर हम मेक हेस्ट अदरवाइज जेहतु बस ऑप्शन डी इज द राइट आंसर मेक हेस्ट अदरवाइज यू विल बी लेट ओके नेक्स्ट देखा नंबर 31 ओके 31 32 33 then 34 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंपल सेंटेंस हम पढ़ी छे सिंपल सेंटेंस रे गोटिए क्लॉज थाय पिला माने ठीक अछि पीपल हु वर्क हार्ड देखो एटा दुटा क्लॉज से गेलन पीपल सक्सीड नाइ गोटे क्लॉज हु वर्क हार्ड आउ गोटे क्लॉज हार्ड वर्किंग पीपल सक्सीड इन लाइफ देखो एठी हार्ड वर्किंग पीपल सब्जेक्ट एटा गोटे प्रेडिकेट सक्सीड इन लाइफ then some people work and succeed in life okay some people work hard ye gote class then and succeed in life another class some unlike people work hard but dira class so sabu dira dira class achi sentence b ku chadi so answer sentence b hi hobo pachar chi koti simple sentence bujhi huchi next 32 the place where my father was born is a very big place okay The subordinate clause in this sentence is yes. इतने subordinate clause किए, बुझो जी. The place where my father was born is a very big place. Subordinate clause. हमें जानी चाहिए क्योंकि ना subordinating conjunction रूप में subordinator start है इतिहो. So where my father was born. Okay, where my father was born. ये पर्जन तो ही हमारा हो. ओके देखो व्हेयर माय फादर वाज बोर्न ऑप्शन सी रही अछि बाकी जहां रहला
सेटा हमरा मेन क्लच बुझी होची। सो पिला माने आमे एतिकी डिस्कशन करिबा, बाकी जहा रहिची क्वेश्चन तो समस्ते निजे प्रैक्टिस करा पे ट्राई करिवो। ओके सो तुमे एको नोट करा, मु स्क्रॉल करी नउ छी, तुमे देख परथु नंबर 33 34। ओके देन एपटे तुम्हारा 35, एको तुमे स्क्रीनशॉट नै परिवो 35 36। एपटे मध्ये क्वेश्चन बहुत गुडी अछि, तुम समस्त को आसीबो, वेरी इजी क्वेश्चन अछि पिला माने, तो समस्ते देखो निजे मन रु करे पे ट्राई करो। ओके चेष्टा करो वीडियो को पॉज करके आंसर करने पर। ओके समस्त वीडियो बहुत लॉन्ग है, जो ये सब क्वेश्चन हमें डिस्कशन करी छे, तो निजे मन रु करिया पे ट्राई करो। ठीक अछि, एतकी क्वेश्चन अछि, नेक्स्ट हमें तुम्हें वेरी यूजफुल वीडियो ग्रामर प्रैक्टिस करिबा, ग्रामर बहुत प्लेम करो वीक मेरा वीडियो हेल्पफुल। ओके थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, गॉड ब्लेस यू, कीप वाचिंग माय चैनल, टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, गॉड ब्लेस यू। ओके वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।